हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 21 अप्रैल और हम जा रहे हैं नेपाल, क्योंकि आज मैं अपने होने वाले जीवन साथी से मिलने जा रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा, बट ये सफ़र ऐसा ही है। तो हम जा रहे हैं एक फैमिली से मिलने और देखिए आगे क्या होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ और मम्मी और भाई और साथ ही अभी काजल है हमारे साथ और राहुल है। तो ये लोग हमें, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो ये लोग हमें जा रहे हैं पानी टंकी यानी कि नेपाल के बॉर्डर के उस पार छोड़ने के लिए। तो चलिए, हम इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हम नेपाल कैसे जाते हैं। सो गाइज, फाइनली हम पानी टंकी पहुंच गए और ये है नेपाल और बंगाल का बॉर्डर। सो अभी से हम क्रॉस करेंगे और बीच में आती है मेची नदी, जो अभी सूखा है और इस पर बहुत ही बड़ा ब्रिज बन चुका है। सो ये है काकरभिट्टा और यहीं से नेपाल के लिए बस मिलती है। सो हम पहुंच गए और बस को निकलने में टाइम थी, तो हमने सोचा चलो नेपाल के मोमोज ट्राई करते हैं। तो माँ यहाँ पर नेपाल में बादाम शेक पीते हुए, माँ कैसा टेस्ट है? वही चीज़ है ना, बढ़िया लगा? ठीक ही है। काजल, तुझे कुछ नहीं कहना है, ले मत रो, ले ले। तो हम यहाँ पे आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं। एक तो दिन हो जाएगा, हो गया तो मिला देगा। सो काकरभिट्टा से जनकपुर तक बस जाती है, जो कि लोकल जैसी ही होती है, तो हर जगह थोड़ा बहुत डिस्टेंस पर रोकते हुए जाती है। और इसमें इतनी भीड़ थी कि क्या ही बोलना। लोगों को बता दो कि जनकपुर मेरा ननिहाल भी है। सो अब नानी और नाना जी तो नहीं रहे, पर मामा मौसी सभी हैं। तो हम पहुँच गए मौसी के घर। सो फाइनली रात के 9 बजे बस निकल गई और देख ही सकते हो कि कितना भीड़ है और बस मज़ेदार सफ़र। सो ये है रामानंद चौक और फिर कुछ देर के बाद हम पहुंच गए अपने मासी के घर। एंटीक पीस ये को बैक के लिए दो दो गाइस, फाइनली लंबे सफर के बाद हम नेपाल पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं स्कूल चौक। यह है जनकपुर की सबसे फेमस मंदिर, जो कि है जानकी मंदिर, और यह नाइट का व्यू जो कि देखने में ही बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा। और इंगेजमेंट के बाद शादी के दिन भी फिक्स हो गए थे, तो कुछ 6 दिन बाद हमारी शादी थी। तो मम्मी ने शॉपिंग यहीं पर स्टार्ट कर दी थी, जो कि आप देख ही सकते हो। ये सब ले लो, सिंपल ले लो। एनी टाइम कोई ना पहन के आना, इतने ही रहते हैं।
सो गाइस इन्होंने मेरी शादी फिक्स करा दी है, उसी जो पार्टी हम कर रहे हैं साथ में कमीशन में पार्टी मांगे हैं। देखो गोरखा भी है वो तिरछी टोपी वाली तो ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, दोस्तों संग भी शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।